हेलो फ्रेंड्स, मैं मू आप लोगों को स्वागत करती हूँ हमारी अनबॉक्सिंग चैनल अनबॉक्सिंग प्रो में। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करते हैं। तो आज हम जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देने वाले हैं वो है बोरोसिल के तरफ से आया हुआ एक सॉस पैन। आज हम इस चीज़ का प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, क्या अच्छा है क्या बुराई है, सारे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अमेज़न के तरफ से ये बॉक्स अच्छी तरीके से ही डिलीवर किया गया है। तो चलिए बॉक्स के अंदर के कंटेंट की हालत हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक प्रोटेक्टिव बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट को भेजा गया है। बोरोसिल के तरफ से आया हुआ यह बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस में देख सकते हो ये एनर्जी सेवर है, एनर्जी को बचाता है क्योंकि इसके नीचे में जो 3-लेयर्ड बॉटम है वो हीट को बनाए रखता है, इसलिए काफ़ी कम हीट लगता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस किसी में भी आप कुक करो तो एनर्जी तो सेव हो ही जाता है। ये इंडक्शन फ्रेंडली है, मतलब इसको इस्तेमाल करके आप इंडक्शन में भी कुक कर सकते हो। नाउ इट्स क्वाइट एल्यूरिंग एंड एडोरेबल टू। इसका जो बॉटम है उस पर 5 ईयर्स वारंटी दिया गया है, जो एक काफ़ी टाइम पीरियड है, मतलब बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है। मतलब हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये 5 ईयर्स तक तो जाएगा ही, और अगर फिर भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वारंटी तो मिल जाएगा। Now you can see that it has a 18 cm of diameter, which is huge. इसका साइज 1.8 लीटर है, इसलिए यह काफ़ी हेवी भी है। अगर आप चाहे तो इसका जो लोअर वर्जन है आप उसमें भी जा सकते हैं, वो 1.2 लीटर का है। Now सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका जो बॉटम है वो इम्पैक्ट बॉन्डेड ट्राईप्लाई बॉटम से बनाया हुआ है। इसमें बेसिकली 3 लेयर्स ऑफ मेटल को फॉर्ज किया जाता है। जो लेयर्स है, फर्स्ट वन स्टेनलेस स्टील, सेकेंड वन एल्यूमिनियम एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो स्टेनलेस स्टील। एंड इसके वजह से जो होता है बहुत ही इवन हीटिंग होता है, एंड ये हीट को पकड़ के भी बहुत ज़्यादा देर तक रखता है। बाज़ार में जितने सारे ट्राई प्लाई बॉटम वाला कुकिंग पॉट मिलता है उनमें जो थिकनेस होता है वो 3 टाइप के होते हैं, एक तो मोटा वाला, एक मीडियम वाला एंड एक पतला वाला। इसमें जो दिया गया है वो मोटा वाला है, इसके वजह से इसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें कुकिंग बहुत ही जल्दी होता है। यह हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखकर ही पता चल रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक सिक्योर हैंडल है। हाँ, कुकिंग के टाइम ये थोड़ा सा हीट जरूर हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक सिलिकॉन ग्रिप लगा सकते हैं जो 100-200 में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। एंड इसके हैंडल पर ये जो होल है इसके मदद से आप इसको वॉल पर बहुत आसानी से हैंग भी कर सकते हैं। ये हैंडल बहुत ही सिक्योरली लगाया भी गया है जिसके वजह से आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलेगा। एंड इसका जो दूसरा स्पेसिफिकेशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये इजी क्लीन है, आप डिश वॉशर से बहुत ही इजी तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। एंड इसको आप इंडक्शन, गैस, हॉट प्लेट, हैलोजन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और बड़ी बात, बोरोसिल पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। एंड इसके और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में इसके बॉक्स के बाहर दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लगभग सारा कुछ मैंने अभी तक कवर किया है। एंड दिस पोर्शन इज़ अबाउट वारंटी। एंड ये जो सेक्शन है ये वारंटी लेने के लिए काम में आता है, ये बॉक्स के बाहर ही है, इसको आप काट करके रख देना। अब चलिए हम इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो बची कुची फीचर्स है एंड फर्स्ट इम्प्रेशन में इसका क्या अच्छाई है क्या बुराई है, मतलब क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। एंड इसका रिव्यू तो मैं बाद में जरूर अपलोड करूंगी। फॉर मोर फ्यूचर वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। अब अनबॉक्सिंग के बाद आपको ये जो हैंडल वाला पोर्शन है इस जगह को देखना है। देखिए यहाँ पर एक टैग है, एंड ये प्रोडक्ट पहले कभी यूज़ किया गया है या फिर पहली बार आपको भेजा गया है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब तक आप ये टैग को नहीं काटेंगे तब तक ये जो रैप है, मतलब ये हैंडल को जिसमें से रैप किया गया है, वो बाहर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये बहुत ही रिसेंट बनाया गया है, 120 का। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात, इसका जो प्राइस है वो लगभग 829 के अंदर रहता है। आप इसका थिकनेस देख सकते हो, ये काफ़ी डिसेंट है। नाउ इसका लीड के बारे में बता देती हूँ। इसके ऊपर जो हैंडल है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया गया है, एंड ये हैंडल कुकिंग के टाइम हीट भी नहीं होता है। एंड आप
इसका 3 होल्स देख सकते हो, ये होल स्टीम बाहर आने के लिए दिया गया है। ये कभी कभी तो प्लस पॉइंट है लेकिन कभी कभी नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। बहुत सारी कुकिंग में जो होता है उसमें जो एक फिक्स्ड टाइट लीड की ज़रूरत होती है तो उसमें बहुत ये प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ये कभी कभी नेगेटिव पॉइंट तो बन ही जाता है, बट अदरवाइज ये बहुत ही बढ़िया है। एंड अब आप इसका अंदर का जो पोर्शन है देख सकते हो, ये पूरा प्लेन नहीं है, इसको एक्चुअली थोड़ा सा ग्रिलिंग इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है। एंड इसके नीचे वाले हिस्से को आप देख सकते हो, ये पूरा प्लेन नहीं है, इसके वजह से जब इंडक्शन में कुकिंग करने जाते हैं तो ये स्लिप नहीं करता है। ये बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है। एंड इसके साथ एक मैनुअल बुक आता है, इसको यूज़ करने से पहले इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सारी डिटेल्स दिया गया है, इसलिए ये मैनुअल बुक को अगर हो सके तो एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड इसी यूज़र मैनुअल के लास्ट पेज में कस्टमर केयर मेल एंड नंबर दोनों हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप मदद मांग सकते हैं। एंड ये पेज वारंटी पर्पज़ के लिए भी है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो बिल बहुत ही ज़रूरी है, इसके साथ बिल आपको लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना कभी मत भूलिए, एंड फॉर मोर वीडियोस मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई चीज़ की अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय।